शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे हरियाणा की आज की टॉप खबरों की। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने हरियाणा में बीजेपी के विधायक रणबीर पनिहार पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं और साथ ही देवेंद्र बुढ़िया ने सोमवार को लाइव आकर इस चीज़ की जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की पूरी पुष्टि वो आज करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस विधायक पर आरोप लगाए गए हैं वो इसी सभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई के करीबी हैं। तो वहीं पर बुढ़िया का कहना है कि पनिहार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है और उनके साथ जो भी बर्ताव किया गया है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। और वहीं पर बुढ़िया के इस तरह फेसबुक पर आकर लाइव बोलने से बिश्नोई समाज को हैरानी हुई है और साथ ही बिश्नोई समाज का कहना है कि वो हर कदम पर बुढ़िया का साथ देंगे। हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पार्टी के कुछ नेता जो कि कांग्रेस का माहौल देखते हुए बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अभी वापिस बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उनको लगता है कि 5 साल तक विपक्ष में रहने की बजाय सत्ता में रहा जाए, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से उनकी एंट्री पर साफ तौर से फुल स्टॉप लगा दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के संगठन को 2 टुक कह दिया है और ऐसे नेताओं की पार्टी में वापसी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। इससे बीजेपी में वापसी का जुगाड़ लगा रहे नेताओं को जो बड़ा झटका लगा है। हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है, लेकिन 90 में से 42 सीटों पर बीजेपी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जिन सीटों पर हार हुई है वहाँ पर हार के कारणों की जाँच बीजेपी पार्टी की तरफ से की गई है। ऐसे में 1 महीने तक बीजेपी ने हार के कारण जानने के लिए हारे हुए उम्मीदवारों, जिला अध्यक्षों, पुराने कार्यकर्ताओं और साथ ही आरएसएस से भी फीडबैक लिया है। प्रदेश भाजपा इकाई ने ये रिपोर्ट पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है और वहीं पर बताया जा रहा है कि हरियाणा में सदस्यता अभियान पूरा कर प्रदेश में संगठन के बदलाव के समय ही इन जिलों में जिला अध्यक्ष से लेकर जिला इकाई तक बदलाव किए जाएंगे। उन लोगों को किनारे लगाया जाएगा जो सिर्फ पद लेकर बैठे ही रहे हैं मगर जो फील्ड में एक्टिव दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसे में आरएसएस की रिपोर्ट की विशेष भूमिका रहेगी। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में जो आज सुबह 7:50 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये भूकंप के झटके रोहतक के साथ साथ आसपास के इलाके में महसूस किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 रही है और वहीं पर भूकंप का जो केंद्र रोहतक में 7 किलोमीटर अंदर था। भूकंप के कारण जो घरों के पंखे थे वो हिलने लगे और साथ ही जो लोग थे वो घरों से बाहर निकल गए थे। हम बढ़ते हैं हमारी पांचवीं और आखिरी खबर की ओर जो कि हरियाणा के मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से हरियाणा में मौसम बदलने लगा है और प्रदेश के अधिकतर जिले ऐसे हैं जहाँ पर बादल छाए रहे हैं और अधिकतर कोहरा भी रहा है। तो अगर वहाँ पर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी 100 रह गई है। अधिकतम तापमान में भी जो गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही मौसम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो मौसम और भी ज़्यादा खराब रहने वाला है, यानी कि ठंड बढ़ने वाली है और अधिकतम तापमान में जो गिरावट दर्ज की जाएगी। और वहीं पर अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में महेंद्रगढ़ की जो रात का जो मौसम है वो ज़्यादा ठंडा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और वहीं पर करनाल में दिन का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले
वाले दिनों में जो ठंड बढ़ने वाली है और अधिकतम तापमान में जो गिरावट दर्ज की जाएगी। हमारी टॉप खबरों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।